दोस्तों, अगर आप भी आपके शॉप के लिए, बिजनेस के लिए एक प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माई प्राइस लिस्ट। जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में ऑप्शन आ जाता है माई प्राइस लिस्ट का, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए माई प्राइस लिस्ट सिंपल एंड ईजी प्राइस लिस्ट मेकर, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसे डाउनलोड करके आप ओपन करते हो तो इसका मेन इंटरफेस आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा। अभी मैंने यहाँ पे इतनी सारी प्राइस लिस्ट बनाई हुई हैं तो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही हैं। आपके पास कोई बनाई हुई नहीं होगी तो यहाँ पे खाली आएगा, कोई डिटेल नहीं आएगी। अब आपको नई प्राइस लिस्ट बनाने के लिए नीचे यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर देख लीजिए जो भी आपको कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आपको प्राइस लिस्ट के अंदर डालना है उसका यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइज़ लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे देखिए क्वांटिटी का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, और डिस्क्रिप्शन वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज कोड QR कोड जो भी आपका है QR कोड यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कस्टमर को पेमेंट देने में दिक्कत ना है। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी प्राइस लिस्ट बनानी है, मैं यहाँ पे किसी मोबाइल का डाल देता हूँ। मोबाइल का डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे साइज क्या साइज़ है उसकी, 120 ग्राम, तो 120 डाल देता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी कितनी पे है मेरे पास, क्वांटिटी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस क्या है, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10,000 है, उसको मुझे सेल करना है 11,000 में, तो यहाँ पे मैं 11,000 डाल देता हूँ। 11,000 डालने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में अंदर आप जो भी उसके फीचर हैं वो फीचर डाल देना, मैं भी कुछ नहीं डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे QR कोड आपका जो भी हो आप QR कोड डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे आप सेव करोगे तो ये प्राइस लिस्ट अभी सेव हो चुकी है। उसके बाद अभी इस प्राइस लिस्ट को आपको अपने व्हाट्सएप पे कैसे भेजना और कैसे दिखेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ऊपर एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर PDF का जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख लीजिए PDF का ऑप्शन नीचे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये PDF जो आपने बनाया वो पूरी PDF यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देखिए सेव PDF पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव PDF पे क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन PDF आ जाता है। ओपन PDF पे क्लिक करने के बाद आपकी देखिए प्राइस लिस्ट जो बनी हुई है वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। मैंने अभी प्राइस लिस्ट बना ली है, वो इस टाइप से दिखेगी। उसके बाद जैसे आपने कोई प्राइस लिस्ट बना ली है, उसके बाद आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है। अभी अपने प्राइस लिस्ट बनाई मोबाइल वाली, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड हो चुका है मोबाइल वाली प्राइस लिस्ट का, यहाँ पे देखिए मोबाइल वाली का। और हमने वेट डाला था 120 ग्राम, और इसकी क्वांटिटी डाली थी 9, सेल प्राइस डाली थी अपने 11,000, और कॉस्ट प्राइस 10,000। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, और बहुत ही इजी तरीके से ये प्राइस लिस्ट बन सकती है, और बहुत ही इजी है इसे बनाना, जिससे कि आपका जो भी शॉप का प्रोडक्ट है सारा आपको खाते में नहीं लिखना पड़ेगा और इस प्राइस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये प्राइस लिस्ट आपको कैसी लगी। धन्यवाद।